समय लेकर दोपहर 1 बजे सुमित्रा महाजन जी के दफ्तर में जाकर वो मांग पत्र उनको पेश किया, उनके साथ उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई और मैं जल्दी फोटो आप लोगों को वो भेज दूंगा एसएमएस अपने किसी मीडिया के जरिए या फेसबुक पे या फिर ईमेल द्वारा। और उन्होंने कहा कि मैं देखती हूं कि मैं ये काम करने मुझे संवैधानिक अधिकार है या नहीं, परंतु मैं आपका जो मांग पत्र है उसको सहर्ष स्वीकार करती हूँ, ऐसा उन्होंने मुझको बोला है। तो जो डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन की बात है, ये आंदोलन पहले भी अनुशासन आंदोलन रहा है। देश के हजारों किलोमीटर से लोग बड़े आराम से आए थे दिल्ली में आकर, पहले तो हरियाणा की बॉर्डर पे गुड़गांव में रोका गया इजाजत होने के बावजूद, अगर वो बाधा टली तो उसके बाद दिल्ली में कोई गड़बड़ी हुई, पर रात को जो कुछ हुआ घटित हुआ वो सब आप जानते हैं। और उसके लिए जो दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को जो फटकार लगी हाई कोर्ट से, जो फटकार लगी निचली कोर्ट से, वो इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो सब जो कुछ किया वो सब गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था और उसका उनको करने का कोई अधिकार नहीं था। ये दिल्ली पुलिस का जो चेहरा था वो बेनकाब हुआ है और हमारे जो संघर्ष है उसकी एक जीत हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं आप सबका